बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ, आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग की दाल। ठीक है, जिसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है 1.5 पाव, नमक, सुरख मिर्च है 1.5 टीस्पून है, सब्ज़ मिर्ची है। हाँ जी, ये लहसुन मैंने डाला है पीस के, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। और हल्दी है, ठीक है, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं डालूँगी ये दाल, धो के अच्छी तरह चुन के धो के रखी हुई है। तो अब इसके अंदर पानी डालूँगी, ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सब्ज़ मिर्ची और जो पिसा हुआ है लहसुन है वो डालूँगी, और कनौर भी डालूँगी इसके साथ ही, सारे चीज़ें डाल के। ठीक है, इसको तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये दाल हमारी बन जाती है। ठीक है, अच्छी तरह ये मसाले मैंने डाल दिए हैं कि कोई रहने जाए। अब इसके अंदर पानी डालूँगी, 1.5 पाव है तो तकरीबन 1 लीटर पानी जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और ये किनौर की भी साथ ही डाल दूँगी कि इसका जायका अच्छी तरह हो जाए, बहुत अच्छा जायका आएगा इसके साथ। ठीक है, और अब मैं प्रेशर बंद करने लगी हूँ। गरम मसाला वगैरह मैं कोई नहीं डालूँगी इसके साथ। ठीक है, और 10 मिनट के लिए ये मैं प्रेशर बंद करने लगी हूँ, और 10 मिनट के बाद मैं आपसे ना मिलती हूँ दोबारा। ठीक है, हाँ जी, ये 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं खोलने लगी हूँ। माशाल्लाह, देखिएगा, देखिए कितनी अच्छी, कितनी सही बन गई है ना 10 मिनट के अंदर। ये दाल बहुत ही जल्दी बन जाती है, ये तो वैसे ही प्रेशर के बगैर भी रखें 15-20 मिनट में बड़ी सही गल जाती है। तो ये हो गई है, अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। घी डाला है मैंने इसके अंदर, देसी घी डालते हैं, बहुत ही अच्छा इसका जायका आ जाता है। और मैंने जो है ना लहसुन है ना, फिर मैंने पेस्ट दरदरा सा कर लिया, क्योंकि बच्चों के मुँह में आता है ना, बच्चे को फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा ही दाल के अंदर मैं ये पीस के ही डालती। सबसे पहले ये देखना है कि हीट हो गए, ये लहसुन डाला है। ठीक है, एक गट्ठी 1.5 गट्ठी के करीब मैंने डाल दी है, 1 गट्ठी मैंने पेस्ट बना के पहले डाले थे। ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, क्योंकि ब्लैकिश नहीं करना, दाल में कड़वाहट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर डालना है ज़ीरा, बस ज़ीरा ही मैं डालूँगी इसके अंदर। तो ये ज़ीरा डालने लगी हूँ, ज़ीरा पहले नहीं डालना है क्योंकि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, तो फिर ज़ीरा डालना है, क्योंकि ज़ीरा जल्दी हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। अब ज़ीरा डाल के तो हमने ज़्यादा नहीं इसको भूनना ना, फ्राई नहीं ज़्यादा करना, बस थोड़ा सा करके। तो फिर माशाल्लाह ये हमारा कितना अच्छा तड़का, मैंने घी इतना ज़्यादा नहीं डाला, मुनासिब सा डालना है। ठीक है, अच्छी तरह ये साफ़ करके डालें। तो जिसमें तड़का लगाते हैं उसमें दाल भी डाल के फिर मैं दोबारा इसके अंदर डालूँगी, कि जो साथ रह जाता है लहसुन मसाला वगैरह वो अंदर चला जाए। ठीक है, अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। अब ये देखिए, डिश आउट कर दिया है, साथ मैंने चावल बनाए हैं, हरी मिर्ची ऊपर डाली है। ठीक है, सब्ज़ धनिया डालूँगी, ये मेरे पास सूखा हुआ, मैंने सुखाया हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे लगी है मेरी ये वीडियो आपको, अब ये रेसिपी कैसे लगी है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सादी सी ये दाल बनाई है, तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ठीक है, मैं भी आप सबको दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।